क्या रीजन है? राहुल आपकी क्या सर्विस है? यू रेडी फॉर मैच फर्स्ट? आप दोनों कैप्टन आप लोगों ने डीपीएल का शुभारंभ किया है, जिस तरीके से लोगों की टीमें हैं, किस तरीके से शुभकामनाएं? देखिए ऐसा है, हम दधी समाज मुंबई की तरफ से ये आयोजन है और मैं आपको बताऊं कि ये हम युवाओं का उत्सव है डीपीएल, और पूरे हिंदुस्तान से लगभग 14 टीम यहाँ पे खेलने आई है और लगभग 300 युवा यहाँ पे आज इस ग्राउंड पे जमा हुए हैं। और आज ये दो दिन का पूरा महासमर है, पूरे हिंदुस्तान के दधीच बंधु यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे और एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाएंगे, इस तरह का ये आयोजन है। जितनी भी टीमें, स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, हमारे टीम ऑनर, हमारे मुख्य अतिथि, मैं सबका साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि वो समय निकाल के इस आयोजन में आए और इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। कल इसका समापन होगा, जिस टीम आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? मैं आपको बताऊं, इस बार बड़ी दुविधा है, ऐसी ऐसी टीमें आई हैं और ऐसे ऐसे जुझारू खिलाड़ी आए हैं मुंबई खेलने के लिए, उनसे हमारी कल बातचीत हो रही थी तो बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि उनकी टीम प्लानिंग, तो बड़ा मुश्किल है बोलना है कौन जीतेगा। कोई टीम इसमें कमज़ोर नहीं लग रही है, मैं आपको क्लियरिटी दे पाऊंगा कल सुबह आज का गेम देखने के बाद। फिलहाल तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कौन सी टीम जीतेगी, कौन कप लेके जाएगा, मैं मुझे खुद बहुत संशय लग रहा है। सर किस तरीके साधुवाद देंगे पूरी टीम? अरे दधीच समाज के हिसाब से सारे भारतवर्ष की दधीच की 14 टीमें यदि एक जगह आती हैं तो ये समाज के लिए गर्व की बात है कि दधीच प्रीमियर लीग का आयोजन श्री राजेश जी शर्मा के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, उनकी सारी टीमें एक जगह इतनी सुव्यवस्था के साथ में कार्यक्रम का नियोजन किया गया है, इसके लिए डीपीएल के लिए भरपूर बधाइयां देना सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है। और एक क्रिकेट का खेल है, कब किसका सितारा चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ दो दिन के इस आयोजन में होगा। पुनः बधाइयां आयोजकों को। क्या कहेंगे? डीपीएल को देख करके अब ऐसा महसूस होने लगा है कि पूरे हिंदुस्तान में एक हमारे दादी समाज में जन जागृति पैदा होगी और हम लोगों को देख करके एक दो जगह तो ऑलरेडी ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में दादी समाज में लोग डीपीएल को देख करके मुंबई दादी समाज को से प्रेरणा लेते हुए इस तरीके के आयोजन प्रारंभ होने लग जाएंगे। तो तुम जो आयोजन किया जा रहा है ये एक अनूठा आयोजन है, हमारे दादी समाज में इस आयोजन की शुरुआत ही मुंबई दादी समाज ने की है, आज इनका तीसरा वर्ष है, हमें इस लगता है ये आयोजन कंटिन्यू करते रहेंगे और हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस उत्सव में समारोह के रूप में उपस्थित होकर आपस में एक दूसरे का मिल मिलाप बढ़ाएंगे। सर क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुश्किल है, बहुत ही गिने चुने हुए खिलाड़ी, कम से कम 3 जो मैचेस पहले खेल चुके हैं उनको सिलेक्ट करके ये टीम बनाई गई है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इट इज़ इजी टू प्रिडिक्ट कि कौन जीतेगा। मैच जो है बड़े टक्कर का होने वाला है हर जगह पर। क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी और किस तरीके से खास तौर पे डीपीएल के जो आयोजक हैं? सबसे पहले डीपीएल के और दादी समाज को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना बड़ा आयोजन इस समाज के थ्रू शुरुआत की है, उसका 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, हम आगे भी आशा करते हैं कि इसको नियंत्रण कार्य करेंगे और यहाँ तक भी नहीं, भारत में कहीं भी डीपीएल का दादी समाज का आयोजन होगा हम उसके साथ सहयोग करेंगे और ना बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए बात नहीं है, दादी जीतेगा दादी, तो आज तो बहुत सारे मैच हैं, देखते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, पहला मैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, लेट अस सी। सारी टीमों किस तरीके शुभकामनाएं? हाँ जी, सारी टीमों किस तरीके शुभकामनाएं देंगे? हमारी शुभकामनाएं तो हमारा जो इनॉग्रेशन हुआ है उसी से सारी टीमों में जोश, और हमने जुम्बा जो स्टार्ट किया वहाँ से सब में जोश आ गया, सो ऑल आर चार्ज टू गिव देयर बेस्ट। क्या कहेंगे आज
डीपीएल को लेकर? आजकल डीपीएल बहुत शानदार बनाया है और यादगार बनाया है। यहाँ से मुंबई से ही नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, पूरे भारतवर्ष से इधर प्लेयर आए हुए हैं खेलने में और सब एक से एक दुरंधर टीम है। इधर कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, सब एक जैसे भाई है सबके और सब बेस्ट से बेस्ट है। और मैं यही बोलूँगा मेरे भाइयों से कि मैच तो बहाना है, दादीचों को दादीचों से मिलाना है, दैट्स ऑल। तैयारी जबरदस्त है। मैं मुंबई दादीज, मुंबई इंडियंस को लीड कर रहा हूँ एज ए कैप्टन और पूरे खिलाड़ियों में भरपूर जोश है और पिछले गत दो साल से डीपीएल की प्रस्तुता होती जा रही है और इस बार पूरे भारतवर्ष से नए नए प्रतिभाशाली युवाएं हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं आप लोग को स्पेशली बताना चाहूँगा, हमारे साथ विक्रमजीत दादीज जो पिछले फर्स्ट सीजन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अब दुबई शिफ्ट हो गए हैं, फिर भी स्पेशली फॉर दिस इनोग्रेशन फॉर डीपीएल त्यौहार के लिए वो यहाँ पर आए हैं, जो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। हम सब में भरपूर जोश है और माँ धदीमती की कृपा रहेगी तो कप मुंबई इंडियंस ही जीत के जाएगा। शुभकामनाएं देने में ऐसा है कि इस बार का जो आयोजन हुआ है उसको अभी अभी जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे उन्होंने कहा था कि ये शानदार आलीशान है, आलीशान से ऊपर कोई सुपरलेटिव डिग्री शानदार चीज़ों के लिए नहीं होती है। और दधीच युवाओं का जोश, पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी युवाओं का क्रिकेट का प्रेम और हमारे दधीच समाज के मिलने और मिलाने का जो की जो प्रक्रिया हमने आज देखी है उससे हम बहुत प्रफुल्लित हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे टीम के सभी सदस्यों का जो कि परसों से इस काम में इस तरीके से लगे हैं कि एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। और बाकी मैं सबों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस बार भारतवर्ष की करीबन 17 राज्यों से टीम आई है और आने वाले साल के अंदर में मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के 23 राज्यों की टीमें यहां पर रहेंगी। धन्यवाद। वेल विशेष तो उनको डे वन से है, आज से नहीं, पिछले साल से जब डेट डिक्लेयर हो गई थी। ये महाकुंभ है, ये एक टीम नहीं है, ये पूरे के पूरे 15 टीम खेल रहे दधीच के, 16 डिफरेंट स्टेट्स से, टोटल 150 प्लेयर्स हैं जिनकी एवरेज एज ग्रुप 27 साल है। सो बहुत अच्छा होने वाला है, सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक मौका है दधीच को दधीच के जोड़ने का और हमारी यही इच्छा है कि लोग एक दूसरे से वेल कनेक्टेड रहे। इससे समाज का ग्रोथ होगी, इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी, इससे एक साथ में सबका विकास होगा। थैंक यू। क्योंकि ये डीपीएल का तीसरा संस्करण है और डीपीएल के पहले संस्करण में हमने सिर्फ मुंबई सिटी से शुरुआत करी थी, दूसरे संस्करण में हम महाराष्ट्र तक पहुँचे और तीसरे संस्करण में हम ऑलरेडी भारत को कवर कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को कवर कर चुके हैं। अब हमारी यही आशा है और हमारी यही व्यवस्था और हमारे यही आगे के कार्यक्रम रहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं। यहाँ पे जीत हार से हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, जीतेगा तो दादी जी, बस हमें इसको बढ़ाते रहना है तो अब हमारा अगला स्तर हम इसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे, जिसके लिए हमें युवाओं का बहुत साथ मिल रहा है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वो जोर से चालू है, इस 24 और 25 तारीख की जो डेट है इस बार डीपीएल की, ये तो लास्ट सीजन ही डिक्लेयर हो चुकी थी तो प्लेयर में एक उत्साह हो गया था कि कब जो रहती है डीपीएल। अभी 2 महीने हुए प्लेयर की प्रैक्टिस वगैरह लगातार चालू है, वो हिसाब से खेलेगा दादी, जीतेगा दादी, टीम कोई भी जीतो दादी जीतेगा, ये बोल रहा है। मैं सी आनंद नैमा, कैप्टन ऑफ अमरावती टाइटंस, और तैयारियां यहाँ पर जिस तरीके से मुंबई समाज ने की है, ये मेरा सपना था कि ऐसा ही टूर्नामेंट अपना होना चाहिए, ये लेवल का टूर्नामेंट होना चाहिए जो मुझे आज दिख रहा है। और बहुत अच्छा शानदार इन्होंने आयोजन किया है और मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड टीम भी बहुत अच्छी आए, भारतवर्ष से टीम आए हैं और जो हमारा स्लोगन है जीतेगा दादीज, खेलेगा दादीज, जीतेगा दादीज, ये स्लोगन यहाँ पर पूरा ही सफल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और मैं सब टीमों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑर्गेनाइजर फॉर तैयारी में ऐसा है कि तैयारी सभी टीमों की अच्छी हुई है। दिन के ऊपर होता है क्रिकेट और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है तो देखते हैं आज किसका दिन है और कौन अपना बेस्ट दे पाता है। जो हम हमारी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 200% दे, बाकी तो खेलेगा दादी, जीतेगा दादी। आइए ना सर। राजेश शर्मा है, मसाला सर राइडर का कैप्टन हूँ। हमने ये डीपीएल का कार्यक्रम चालू किया है जो हमारे समाज के लिए एक दूसरे को मिलने के लिए बनाया गया है और टीम ने सभी टीमों ने बहुत पूरी तैयारी की है
तो देखते आगे क्या होता है। मैं सबसे पहले तो मुंबई दादी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से उन्होंने आयोजन किया है वो बहुत अतुलनीय है। हम डे वन से यहाँ पे जब आए हैं कल से, तो तब से लेके अभी तक जिस तरह से इन्होंने आयोजन किया है बहुत बढ़िया, खेलेगा दादी जीतेगा दादीज, यही हमारी आशा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं में कहीं ना कहीं कौन जीतेगा आपको क्या लगता है? DPL पहली बार महिलाएं हमारे DPL में खेल रही हैं सब, और ये जो दादी समाज का जो प्रयास है उसके लिए हमें बहुत जोश है, और जीतेंगे तो हम ही दादीमती राइडर्स और हमारी टीम पूरी यहाँ पे मौजूद है। कप भी हमारा है, स्मार्ट वॉच भी हमारी है, मेरी टीम ही जीतेगी 100%। मैं लवलीना जोशी दादीमती राइडर्स की कैप्टन, और मैं चाहूँगी कि मेरी टीम मेरे साथ पूरी जोर शोर से मैदान में उतरे। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।